अपनो आंगन चैनल देखने वाले सारे भाई बहना ने गणा गणा राम राम सब टूर को जो सब जगह घूम के आए हैं। हम दिखा गुजरात को द्वारकाधीश है, नाथ है द्वारिका सदामापुरी। तो आज को था बैठ के एक बार सुबह चाय नाश्तो कर लिए हैं, सुबह एक जगह रुक गए हैं। जिन जो आदमी की इच्छा हो कॉफ़ी पीने की या चाय पीने की तो कॉफ़ी चाय भी आज होटल के अंदर व्यवस्था करिए। सुबह चलता टाइम ना थोड़ा स्वाति घंटा रेस्ट करिए सब लोग आई तो खुद को बना सके। आज होटल में भी फरमाइश कर दी, होटल के अंदर बना के बढ़िया चाय कॉफ़ी दी जाए। तो सारो एक साथ मार दिया है, बैठे हैं कोई चार पाई कर कोई रेस्ट कर रहे हैं सब। सुबह सुबह कर रहे सुबह उचालने के बाद में श्याम का पहुंचा जूनागढ़ जोशीपुरा है, मंदिर है नरसिंह जी नानी बाई का पिता को मंदिर बने है। नरसिंह जी आपके पिंड दान है जो कृष्ण भगवान ही पिंड दान करियो नरसिंह जी को। बाद में नानी बाई को मायरो भी कृष्ण भगवान ही करियो। नरसिंह जी भगत है जो ठाकुर जी को कृष्ण जी भी बाप परंपरा कृष्ण जी आपका परंपरा नरसिंह जी किताब है आपके नियम नरसिंह जय सियाराम। पिंड दान को मत बोलो नरसिंह जी के पिताजी को श्राद्ध गालनो ठाकुर जी हैं कृष्ण जी भगवान ही पूरो करियो ई मंदिर के अंदर। बाण गंगेश्वर ज्या कृष्ण जी के बाण लागे पैर के अंदर तो वो मंदिर जो बाण गंगेश्वर नदी भी है, बाण गंगा नदी बोला। और मंदिर भी कृष्ण जी के पैर में बाण लागे को मंदिर भी अठे बना रखे बाण गंगेश्वर नदी और बाण गंगा नदी बोले। एक मैंने स्नान भी कर सको नदी भी दिखाऊंगा, एक बार हम मंदिर का दर्शन कराए।
बाण गंगेश्वर नदी है और भी जहाँ भगवान के बाण लागो वहाँ जगह जो समुद्र है या बाण गंगेश्वर जी की बह रही है नदी भी के ऊपर है बाण गंगेश्वर ठाकुर जी बढ़िया और भी समुद्र के आस पास में जहाँ आदिवासी का लोग जरा बहुत सारा रहे भी के महीने कोटी है या संख है वह समुद्र की झाल में बारे आ जाओ साहब पे बुला वे तो समुद्र के किनारे के साथ त्रिवेणी संगम है गिरना कपिला सरस्वती त्रिवेणी महासंगम नदी के पूरी के ऊपर स्नान करे जाए तीन नदियां को जो संगम हुआ है मिलाप हुआ है एक जगह मिलना तीनों नदी तो त्रिवेणी संगम बोले जाए त्रिवेणी संगम को जो दृश्य है वो मैं थान दिखा रही हूँ कोई साइड में जहाँ बैठ के और ऊपरी नदियाँ के ऊपर जो पक्षी हैं वे भी समुद्री जलीय पक्षी हैं वे भी जहाँ खूब सारा रहे हैं और सारो जो लोग जो त्रिवेणी संगम स्नान कर रहे हैं वे भी बहुत सारा लोग भी स्नान वाला भी अठा पहुँच रहे हैं तो मैं सारी जी की बहना त्रिवेणी संगम के ऊपर आपकी यादगार के लिए कोई फोटो शूट करा रही है कोई वीडियो करा रही है और साथ में नंदी भी घूम रही है तो पक्षियों को जो झुंड है वो भी थाने पीछे दिख रही है पानी में तैरता टाइम में जिकी है बत्तख बोला या हंस हंसनी जो भी जलीय जगह जीव हैं वह सारा ही नदी के अंदर है सब आप एक दूसरे के साथ स्नान करें अपने क्या अपने तो मैं भी अब यहाँ भक्ति के सागे बैठ के एक बार फोटो शूट हो रही है दोबारा फिर की है त्रिवेणी संगम माँ त्रिवेणी संगम के अंदर राइकलिन होगी नान कुटुंब बोलना ही मैं नान को हुआ है कोई एकदम की लगा है या गोता मारे ना के अंदर शायद होश के नान पतो को नहीं हो पहली कैसे त्रिवेणी संगम तो कोई भी नदियाँ को जो तीन नदी मिलगी भी नहीं त्रिवेणी लोग ड्राई क्लीन करके त्रिवेणी संगम को नान करके हो गया रवाना रवाना होने के बाद में गुजरात को जो बारी को सीन है तीनों तरफ गुजरात का तीनों तरफ को पानी पानी समुद्र और एक साइड में जिया गाड़ी निकली है बट्ठे के दृश्य दिखा रही हूँ जिया और खेतों के अंदर खेती भी कर रखी है चावल हैं जो है या गेहूँ है बहुत मन पतो घंसाल जो हो उसने चावल ही बाकी नारियल की खेती खजूर की खेती और केला की खेती बहुत ज़्यादा है क्योंकि अठे समुद्र को पानी है तो पानी की ज़रूरत ही कोई नहीं अपना राजस्थान में तो सूखो एरिया है बट धूल ही उठा है एक चीज़ राजस्थान की सब बेस्ट मिली कि राजस्थान की मिट्टी के अंदर जब बरसात की बूंद या ऊपर की ज़मीन भी भेज दिया तो भी की धरती राजस्थान की धरती के अंदर बहुत सारी खुशबू खुशबू निकले हर लोग पता चल जाए कि आज कटे बरसात हुई है खुशबू बहुत आई है वास्तव में राजस्थान की धरती के ऊपर खुशबू है और बाकी समुद्री एरिया है बाँ साइडा में बदबू बहुत आ रही है मछली रहे जी कारण बहुत बदबू आ रही है तो आज मैं थाने सारो सीन दिखा दिए है समुद्री जो चारों तरफ समुद्री समुद्र हैं अब देख लो तो पट्ठे भी पानी की कमी नहीं है बट्ठे हरियाली खूब है तो आगे एक चीज़ फायदा है कि पानी की कमी को नहीं पर बदबू बहुत है बहुत ज़्यादा बदबू है और आपने पानी की कमी है जब बरसात हो तो खुशबू ही खुशबू है अपनी धरती के अंदर राजस्थान की मिट्टी के मायने बहुत खुशबू भरे हुई है
तो समुद्री एरियो दिखाया है और अनुभव भी करो है कि समुद्री एरिया में कच्चा मकान है क्यों पक्का मकान क्यों उसके समुद्र कटता नहीं पानी पहुंच गया तो ऊँट गाडा भी सागे रखे हैं पिकअप भी सागे खड़े हैं जी ऊपर पानी पहुंचे तो आपको सामान गाले और पार तो समुद्र तो जहाँ थे देखोगा तो रुक रुक के बहुत आनंद आ रहा है वो भी एक बार छोड़ो अब नहीं सारी बहना है जिकी समुद्र देखने के लिए बसों उतर गई हैं और समुद्र के नज़दीक जाके देखेंगे हर जगह ज़रूर पानी के मायने पहुँचे यहाँ पर अब की बार है जब तक पानी ने टच नहीं कराँगा जब तक जहाँ विश्वास को नहीं हो रही कि समुद्र को पानी की यहाँ को है तो सारी बहना पहुँच गई समुद्र देखने के लिए तट के ऊपर तो आ थाना नज़रियो भी समुद्र के तट को दिखाऊँगी और बहुत सारी जो आदिवासी हैं ऊँट लिया खड़े हैं आपको दर्शनीय स्थान दिखाने के लिए ऊँट पर सवारी करने के लिए और एकोडी हैं शंख हैं ये भी चुनती रह गई अब समुद्र के अंदर पहुंच गया तो आज स्थान में सारो समुद्र के देखो अच्छे सीन है एक बार जहाँ समुद्र थे देखोगा तो बहुत अच्छे लाग रहे इनकी गड़गड़ाहट जहाँ आपने राजस्थान में बादल गरजे और समुद्र एरिया में समुद्र गरजे पहली बार मेरो एक्सपीरियंस तो पहली बार है मेरे जीवन को कि समुद्र की गड़गड़ाहट पहली बार देखी है और इतना शानदार माहौल है बहुत अच्छे फील हो रहे घुमाई करना कोई एक आनंद भी आ गया जब कद भी थाने घूमो है तो सस्तो सुंदर टिकाऊ जो को मोबाइल नंबर में एक वीडियो पीछे भी डाल दिया है आऊँ संपर्क करियो और घूमने की जितनी भी बहना की इच्छा हो वो एक ग्रुप बना लियो 40 जनिया को या 35 40 25 जितनी भी आपकी इच्छा अभी तो ग्रुप बना के और आम पूछ लियो फिर आगे सगे सस्ता हूँ घुमा के लियाऊँगा अच्छे खाने की रहने की व्यवस्था भी करके देंगा तो आस्थान समुद्र की जितनी ऊँचाई है लहर है ना कमो कम में 30-30 फुट की लहर ऊंची उठ के आना और आंकी जी की आवाज़ भी समुद्र की थनारी है और सोमनाथ मंदिर के ऊपर तो इतनी गड़गड़ाहट हो रही कि बादलों की गर्जन भी धीमी है समुद्र की गर्जन और कई बार वेग है जो लहरों को बहुत तेज़ हो जाए तो बहुत दूर तक पानी आ जाए कई बार हवा कम हो तो कम भी हो जाए तो एक दूसरे को हाथ पकड़ के भी आप एक बार डर सहन लगे हाथ पकड़ के भी देखे हुए बजरी जितनी मोटी रेत है एक पैरों के नीचे तो समुद्र की जितनी भी लहर आएंगी तो सिर्फ पैर की जमीन काटे कम कम एक गुलाम जमीन की जमीन है पैरों के नीचे बन निकाल दे तो अब सब डरे हैं सब लोग डर रहे हैं तो ज्या ही पैर की जमीन निकले तो पैरान दबाता रहो ताकि समुद्र की लहर में बहवे को नहीं आदमी तो सारी बहना आप आपको एक्सपीरियंस के अनुसार सब अच्छे माहौल हो रहा एक आर्यो है अठे कुतियो भी बोला डोगी है वो भी समुद्र की लहर के अंदर आगे पीछे होके आनंद उठा रहे खूब सारो तो थाना मारो वीडियो या समुद्र जो को दिखाया वो थाने क्या को लागे के फील करें वो भी थे कमेंट करके बताओ और बढ़िया लगे हुआ तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करो तो बहुत सारी बहन यहाँ की भी ही वहाँ का पैरों के नीचे जमीन निकल गई और वह गिर भी गई समुद्र की लहर है जो कि ऊपर की सिर तक पानी आ गया है तो आज बहुत अच्छे फील हो रहे और सारी जो कि एक एक हैं तो बहुत सारी और भी जो कि आर्थिक स्थिति कमजोर वाला जगह भी है वे कनारा के ऊपर खड़े हैं बहुत सारा संख्य है कोडी और संख्य ये भी बेच रही हैं 50-70 रुपये में ऊँट के ऊपर सवारी भी करा रही हैं क्या चीज़ हो और समुद्र एक ही की चीज़ है अंदर आपकी जिकी भी लहर का अंदर जो भी सामान कचरों कोई थैली फेंक दी है समुद्र में भी यहाँ की थैली फेंकें तो वह थैली भी आपने लहर के अनुसार बाहर बारह निकाल दी तो शायद और चीज़ बारे निकाल दिया आदमी मरेडन है शायद बारे को निकाल सकें गलतफहमी है कोई आदमी है देखे कि मैं अंदर सुल जाऊँ और बारे निकाल दे ना आप नहीं हो सकते
तो सब बहना समुद्र के पूछ के वीडियो बनाना है, एक एक आप आपकी फ़ोटो करना है, एक दूसरे को हाथ पकड़ के सहयोग कि भाई मैं भी टच करके आऊँ, मैं भी हाथ लगा के आऊँ, पैर लगा के आऊँ, तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। पहली बार गिर भी जाती है, गिर भी जाती है। देखो एक बहन तो बहुत लंबी आगे तक चली गई। तो अब कमो को आधी घंटा आनंद उठायो और थारा सामने भी शेयर कर रहे हैं। गुजरात की सब बढ़िया घुमाई ही और तीन तरफ पानी पानी है जहाँ समुद्र टच है, तो समुद्री एरिया में जहाँ पानी की कोई कमी को नहीं है, या जगह नारियल का पेड़ है वह समुद्री किनारा भी नारियल का लगे हैं। अब भी फिलहाल भी कच्चा भी लागना शुरू हो रहे हैं, जगह पक्का है वह भी सूखना ऊपर शुरू हो रहे हैं। तो सब लोगों को बैठक जरियो है खेती नारियल की। तो वह ऊँट की सवारी करो रेगिस्तान को जहाजे और हमारे घर का हमेशा ही रखे चढ़ाया हमारे लिए तो नई चीज है और नई चीज हमारे लिए कुछ भी को नहीं है, सिर्फ ही भगवान की सृष्टि रचेड़ी है। वाह अजीब है, वाह जी वाह, शिव भगवान धन्य हो ऐसे समुद्र। और जो मांगने के लिए भी बहुत सारी बहना है कि हमारी तुम अजिया शंख ले लो, कोडी ले लो, 2 रुपया में, 5 रुपया में, तो बहुत सारी बहना है जी की शंख भी लेके आई, कोडी भी लेके आई, कोडी बेच रही है, वो कोडी बेचने के लिए कोडी ले लो, तो फिर ये नारियल पानी पीने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। ये इतना पानी नहीं, पानी भी आप उनकी पिएगी और पानी थोड़ा सा पी के आपको छोटो भाई है दिन प्याना खतर ले जाएगी, खुद की जिम्मेदारी भी यह पूरी निभा रही है छोटी सी बच्ची। अब पहुँच गया हाँ दूसरी जगह देखने के लिए थे, टैक्सी किराए करिए, टैक्सी के अंदर बस रुकने के बाद में टैक्सी किराए करने के साथ साथ आदमी के अंदर एक एक टैक्सी के अंदर देखना जितने साथ साथ लोग सुदामा जी की एक परिक्रमा भी है, परिक्रमा है भी की परिक्रमा कर दूंगा तो सुदामा जी की परिक्रमा 84,84,000 परिक्रमा पूर्ण हो जा तो भाभी मैं कराँगा बाथन मैं दिखावा। अंदर गया मंदिर तक और मंदिर भी सुदामा जी को एक अंदर दिखाऊंगा। सुदामा के मंदिर के अंदर चावल जगह चावल हुए बेच दें सुदामा जी के, तीन मुट्ठी चावल हुए, या तो तीन मुट्ठी चावल आगे ले लो या आपके घर के अंदर ले के जाओ और सागे ले जाके प्रसाद सिर्फ चावलों को हुआ सुदामा जी। तो अब सुदामा जी के जो मंदिर है बिन पूछ गया हाँ और अच्छा लाग रही है बोल्ड बोल्ड कर करके देखोगा सुदामा जी एमरम कर दे ओ भूल भुलैया जो कि चॉइस देखे जल्दी करते हो आप, बात सही है क्यों कह जल्दी करते हो। बस तो रस्सी परिक्रमा है एक अंदर सारी बहना, आप आपका पैर ही अंदर डाल के एक परिक्रमा लगाए। अब देखो आदमी लोग लगा रहे हैं एक मैंने सारी बहना आदमी सब सुदामा जी की 84,84,000 परिक्रमा देना और एक ही के अंदर ही पैर में एक स्टार पे बैठूं पैर डाल देना तो लास्ट किनारे पर निकल जाएगा। तो आप परिक्रमा भी मैं सारी देना हाँ जी की पूर्ण कर ली भाई केरो का। अब गिरने को तो सिर्फ ही मैं पैर रखना है बीच बीच में गिर भी सकते थोड़ी सी ध्यान रखने मुंह टिक कर मेरे तो ऊपर ध्यान रख के दोनों कान पक्की टिक रखे किली साइड हो लोग यहां करें अब देख किली साइड हो बिल्लो दस लोग का आगे पीछे होके परिक्रमा पूर्ण करिए। परिक्रमा करना तो बहुत ही बड़ो धर्म और पुण्य है लेडीज सुदामा जी की 84,84,000 परिक्रमा पूर्ण हो गई है। अब यहाँ पैर दे के एक माँ घूमना पड़े तो आप भी थे जरूर जाओ तो सुदामा जी को भूल भलैया तो परिक्रमा है 82,84,000 आप परिक्रमा पूर्ण करियो और थे भी कई जगह मिल जाए यहाँ की भी
रात परिक्रमा हुई, मंदिर के अंदर भजन गा रहे हैं, मंदिर में कर रहे हैं दर्शन, तो बहुत सारा लोग आगे बैठे हैं, मैं भी भजन दो पांच आपको सतमत बजे मंदिर के मैंने दर्शन करने के लिए चले गए। छत के ऊपर जाके होटल में रुके रहा, तो सुबह छत के ऊपर धूप आ रही है, कपड़ा सुखाना के लिए आपकी जगह रस्सी ले रही है, रस्सी में कपड़ा सुखा रहे हैं। और द्वारका का जो सीन है, द्वारका है आ द्वारका का जो थाने दिखा रही हूँ ऊपर छत पर हूँ, और एक तरफ समुद्र, समुद्री समुद्र है तीनों तरफ द्वारका गए, तीनों साइड में समुद्र, तो थन द्वारका को जो ऊपर जो बस चेड़ो है वो भी मैं थन दिखा दी। छत के ऊपर करियो चाय और नाश्ते की व्यवस्था हो रही, तो चाय भी पी ली और नाश्ता भी कर लियो। चाय नाश्ता करने के बाद में फिर घूमने के लिए जाऊँगा, और घूमने घूम के आऊँगा इतना आज बेसन का जगह गट्टा ही मैं तैयार कर रहा हूँ, बेसन गट्टे की बनाऊँगा सब्जी, और दो तीन घंटा के बाद में बेसन भी गट्टा ही जगह बना के छोड़ रखे हैं, और पतीले के अंदर बड़े पतीले में पानी उबाल रहा है, उबलने के सारे गट्टा डाल देंगे, और दो तीन घंटा में घूम के सारा जगह मंदिर है और दर्शन करके आऊँगा, वापस आऊँगा इतने रोटी और सब्जी बना के एकदम तैयार रखेंगे, खाना खाने के बाद में फिर हो गया दोबारा आगे।